में आपकी पुस्तक आर्थिक वार्ता मौसमी संकट अति कुदरती आपदा ने लोक अध्ययन अते इस पुस्तक बारे संवाद विच आए सारे विद्वानों नु जी आया आखी मैं खास तौर उत्ते साडे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर रटगन संत गुरवीर सिंह सचेवाल डॉक्टर इंद्रजीत कौर जस्टिस जसवीर सिंह जस्टिस परमजीत सिंह धारीवाल सीनियर पत्रकार हमीर सिंह ज्ञानी केवल सिंह अते यूनिवर्सिटी के वक् वक् विभागों तो आए प्रोफेसर साहबान जेडे अपने रुझेवों समा कट के इस समागम में आए हो उन्होंने सारे उची आया। मैं यूनिवर्सिटी के वक् वक् विभागों तो आए कर्मचारियों विद्यार्थियों को भी जी आना आखनी हूँ। प्रिंट अते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आए पत्रकारां दा मैं स्वागत करती हूँ। इस तो बाद मैं एक बेजान वस्तु नूं भी जी आया जेड़ी न्यासरियां अते बेआसरियां दा आसरा बनदी हुई उन्हां नूं नवीं जिंदगी दे रही है। ये बेजान वस्तु है बीबी इंद्रजीत कौर द्वारा सिंगल वार्डन तो लिया पाठा जिस विच लोग अपनी समर्था अनुसार आर्थिक मदद पाते हैं। और मैं अपनी पुस्तक बारे संखेप विच गल करूँ। इस पुस्तक विच मैं अक्टूबर 2020 तो लैके सितंबर 2021 तक वातावरण संबंधित वापरिया कुछ घटनावां बारे अपना विश्लेषण दिता। अजकल सर दुनिया के सारे देश तापमान के वाधे कारण पैदा हुई कुदरती आफतों का सामना कर रही हूँ। अगस्त 2021 आई IPCC की 6वीं रिपोर्ट अनुसार ये वादा आप मुहारे नहीं होया, ये वादा मनुखी गतिविधियां अते वक्-वक् देशों दीआं सरकारां द्वारा अपनाया गया कारपोरेट रेट जल्द पक्की आर्थिक विकास मॉडल बने हुए है। आर्थिक विकास की उन्नी दौर दुनिया के ज्यादातर देश खास करके विकसित देश ने कुदरती स्रोतों का अन्नी बहुत ज्यादा कर दिया। आर्थिक विकास के नाम उत्ते असि संघने जंगलों में कंक्रीट के जंगलों में बदल लगता है। जंगली जीवन की थान हूँ इन कंक्रीट के जंगलों में मोटर गड्डिया दौड़ती हैं। धरती तो बाद मनुख आसमान उत्ते भी काबज हो गया है। हूँ आसमान में पंछी नहीं थान हवाई जहाज से स्पेस क्राफ्ट होते हैं। साडा रहन सहन साडा खान पीन कंक्रीट के जंगल उद्योगिक इकाइया मोटर गड्डिया हवाई जहाज आदि हर रोज वातावरण में मना मोही ग्रीन हाउस गैसा छड के धरती के औस तापमान में लगातार वाधा कर रही है। उद्योगिक इनकलाब तो पहले के समय तो हूँ तक धरती के औस तापमान में 1.1 डिग्री सैलसीयस का वाधा हो चुका है। तापमान
दरवाजे की एक डिग्री का हर एक हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरती के उस तापमान के तापमान वाधे की एक डिग्री ना थोड़े जिहे समय में ज़्यादा मीह पैंदे घटनाओं में 7% वाधा हो जाता है। ऐसे एक डिग्री के वाधे नाल गर्म हवावां दे चलण विच 5 गुना वाधा हो जाता है और जंगली अग्गां विच कई गुना वाधा हो जाता है। तापमान का यह वाधा कली धरती के आईया कुदरती आफतों में ही नहीं वाधा कर रहा, ये वाधा जे समुद्र जो समुद्र के पानी में होंदा है समुद्र के पानी में आने वाले चक्रवातों में चलती हवा की गति में 5% वाधा कर देता है। इस तरह ज़्यादा गति वाला चक्रवात बधेरे नुकसान पहुँचाता है। तापमान के वाधे नाल कली कुदरती आफतों की आमन की गिनती उन्होंने मार की गहराई में ही वाधा नहीं होया, बल्कि इसने हर तरह के जैविकता बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने गिनती लगातार घटती जा रही है। पहला विकसित देश यह समझते हैं कि तापमान के वाधे नाल आने वाली कुदरती आफतों का सिर्फ गरीब देशों उत्ते ही असर होगा, क्योंकि वो सोचते सन कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी वध पैसे खर्च के अपने देश के लोगों को बचा लेंगे, पर उन्होंने भुलेखा भी बहुती देर कायम नहीं रह सकिया। 2011 में जापान में आई सुनामी पिछले सालों में अमरीका में आए भयानक चक्रवाती तूफान पिछले साल अमरीका कनेडा के उत्तरी पछमी तट उत्ते भारी गर्म मीह पैण कारण उन्हों का यह भुलेखा भी बहुत जल्दी ही दूर हो गया। हुण और अपनी जान में इस वातावरण को बचाने लिए भुलेखे पाओ उपराले भी कर रहे हैं। वातावरण तापमान के वाधे के प्रभाव तो साढ़े घरों जिन्होंने असी ठंडे इलाकों वालों जानते सन वह भी इसकी मार थले आए हुए हैं। आर्कटिक ध्रुव के तापमान में उद्योगिक इनकलाब के समय तो पहला के तापमान तो हूँ 3 से 6 डिग्री सैलसीयस तक का वाधा हो चुका है। अंटार्कटिका उत्ते इस साल मार्च में तापमान औसत नालों 40 डिग्री सेंटीग्रेड वध रिकॉर्ड किया। तापमान के वाधे तो साढ़े देश में भी सेक लग रहा है। तापमान के वाधे ना साढ़े देश में भी सेक लग रहा है, सानूं बारे भी थोड़ी जी चर्चा करनी बनती है। इस साल तापमान के वाधे की लपेट में साडा देश बुरी तरह आया होगा। असी इस साल मार्च के महीने में मई जून वाली गर्मी भी मार सके। मार्च और अप्रैल दोनों महीनों के औसत तापमान ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड किया। मार्च से अप्रैल के बाद मई और जून में तापमान का वाध होना स्वाभाविक है, पर इस साल मई के महीने में थोड़े जे दिनों को छोड़ के बाकी सारे दिनों में तापमान 40 डिग्री तो उपर गया।
कि अज भी साडा तापमान पंजाब विच काफ़ी वध है ते पटियाले विच 111 डिग्री फारेनहाइट है। साडा शहर अज भी हीट वेव दे प्रभाव से जो तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो वध के मैदानी इलाकों में तो उन्होंने खेतरों में गर्म लहर या हीट वेव के प्रभाव से लिया होना। 2014 में आई IPCC की पंजवीं रिपोर्ट ने इस साफ तौर पर खुलासा किया कि मौसमी संकट और कुदरती आफतों का चीन के पार उत्ते पश्चिमी देशों नालों ज़्यादा असर अभी हूँ 2021 में IPCC की छेवीं रिपोर्ट की पहली किश्त 2022 में IPCC की छेवीं रिपोर्ट की दूजी और तीजी किश्त ने भी एक खास तौर पर खुलासा किया है कि तापमान के वाधे कारण मौसमी संकट का असर बाकी देशों नालों भारत उत्ते ज़्यादा पड़ रहा है। भारत उत्ते मौसमी संकट और कुदरती आफतों का असर ज़्यादा पड़न के दो कारण एक तो साडा आर्थिक विकास का मॉडल और दूजा साडे देश की भूगोलिक स्थिति जिथे हर तरह की कुदरती आफत मार करती है। साडे देश के उत्तर वाल दक्षिण नाल उच्चे लदे उच्चे पहाड़ हैं और दक्षिण वाल दिल्ली पासे समुद्र तापमान के वाधे नाल जदों बर्फ पिघलदी है तां मैदानी इलाकों में बिना बारिश तो भी हड़ आ जाता ज़्यादा हड़ आने के नाल जानी और माली नुकसान होने के नाल नाल फसलों का भी नुकसान हो जाता। फसलों के नुकसान होने नाल अनाज की थुड़ पैदा हो सकती है तो साडा देश पहला भी भुखमरी का शिकार है इस तो बाद होर इसके बहुत ज़्यादा असर होने के आसार। दूजे पासे दक्षण वाल तिने पासे समुद्र पूर्व वाल पंजाब बंगाल की खाड़ी पश्चिम वाल अरब सागर और दक्षण वाल हिंद महासागर। हिंद महासागर का पानी बाकी सागर नालों ज़्यादा तेजी नाल गर्म हो जिन्ना समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म होगा उन्नी समुद्री आफतों की मार ज़्यादा पड़ेगी। इस करके पिछले सालों में भारत को ज़्यादा चक्रवाती तूफानों की मार सहनी पड़ी है। उन्होंने गिनती में भी वाधा हुआ है तो उन्होंने मार की गहराई में भी वाधा हुआ है। तापमान के वाधे नाल कई समुद्री आफतें ही नहीं आदि समुद्र के पानी का जल पद्धर भी उच्चा हो गया जिस नाल सुनामी आने की तीव्रता से भी वाधा हो गया। कुदरती आफतों की मार तो बचने साडे देश को अपना आर्थिक विकास मॉडल बदलना पड़ेगा जिसलिए दोबारा तो इन्होंने अपना आर्थिक विकास का मॉडल बदल के कुदरत पक्षी और लोक पक्षी बनाना पड़ेगा क्योंकि अजकल कई थावां उन्होंने थावां उत्ते भी साड़ी सरकार प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरियां दे देती है जो इलाके बहुत ज़्यादा वातावरण पक्षों संवेदनशील हैं।